बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सदगुरु महाराज प्रणाम चर्चा प्रारंभ हो तै सुनो चित दे भजो श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा ए सखी जीवन हमारा श्री महामती कहे ए मोमिनो भया अब तुम सुनियो चीत दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत बोले श्री प्राणनाथ प्राणधार अथम संबंधी धाम धनी के प्यारे एवं लाडले सुंदरसा जी तुम्हारे ऐसी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी धाम धनी अक्षरातीत प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम श्री लालसी महाराज के धाम हृदय में विराजमान होकर ये सब प्रसंगों का ये सब घटनाक्रमों का वर्णन करा रहे हैं आज हम उदयपुर पहुंचेंगे। कल के प्रसंग में हमने देखा कि बारह मोमिनों ने कैसे कुर्बानी की कैसे अपना सब कुछ न्योछा, न्योछावर किया और अंतिम सिदी ओलाहाद का जो मार पड़ा और उसको सांत्वना देने के लिए श्री जी ने बड़ी पत्री और छोटी पत्री के रूप में क्या क्या शिक्षा दी ये दो दिन हमने सुना कसौटी बिना कभी भी हम अपने प्रेम कि परीक्षा में सिद्ध नहीं होते कसौटी ही सुंदरसा जी प्रेम की जो हमारी परीक्षा होती वो हो, कसौटी से ही होती है यह बताया के कसौटी देखावे रंग कई देखावे कसौटी कच्ची पक्की या मत छोटी या मोटी एक सोने को भी सोलह बार तपाने के बाद वो शुद्ध कंचन बनता है वैसे हमारे मोमिनों ने अपने को कितने कितना तपाया उसके बाद वो जो ज्ञान युद्ध में सफलता मिली वहाँ जाकर संदेश तो दे ही दिए भले बादशाह ने सुने नहीं उसमें मोमिन कितने अपने ईमान पर पक्के और पक्के बुद्धि वाले हैं या अपने ईमान में कच्चे और छोटे बुद्धि वाले ये परीक्षा की घड़ी थी मोमिनों की तो ये घड़ी में मोमिन पास हो गए यहाँ आगे सुंदरसाज जी पत्री के बाद श्री जी उदयपुर का घटनाक्रम लालदासी महाराज के धाम हृदय में विराजमान होकर बता रहे के कामा पहाड़ी से होई आए बीच आमेर दिन एक दो रह के पीछे आए सांगाने हम सबको विदित है कि श्री जी कामा पहाड़ी से ही पत्रिक लिखते थे शेख बदल और वहाँ से शेख बदल और कांजी भाई पत्री लेकर सुंदर साथ तक पहुँचाते थे और कामा पहाड़ी में श्री जी एकांत स्थान में रहते थे तो यहाँ कामा पहाड़ी से श्री जी ने श्रीजिए पत्री में बताया कि सुंदर साहद जी आपकी इच्छा हो आपका आदेश हो तो मैं और जगह जाके मोर्चा लूँ और इतना ही नहीं वहाँ जाके और राजाओं को जगाऊँ अभी अभी अपने किरणन सुना कि राजा ने मलो रे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो तो सुंदर सात जी आगे जाके और राजाओं को संदेश देने के लिए सुंदर साहद ने आज्ञा दे दी कि श्री जी बस हम यहाँ सुख चैन से शांति से बैठे हैं आप आगे जाओ तो श्री जी कामा पहाड़ी से अभी सुंदर सात तो औरंगजेब बादशाह के दरबार में ही कैद है सुंदरसाज जी वहाँ से वो अभी छूटे नहीं हैं लेकिन श्री जी कामा पहाड़ी से निकलकर आमेर आए और आमेर आमेर से श्री आमेर नगर में पहुँचने के बाद श्री जी पुनः सांगानेर आए वहाँ मुकुंदासी को पता लगता है क्योंकि उस टाइम श्री जी कामा पहाड़ी से जब निकले सीधे ही आमेर नगर में आए और आमेर से पुनः सांगानेर पहुँचे तो वहाँ मुकुंदासी को पता लगा मुकुंदासी उस टाइम पे उदयपुर नगर में जागनी प्रचार का काम करते थे धर्म प्रचार का कि उसको पता लगा कि श्री जी आमेर आए हैं तो वो भी वहाँ से आमेर आए और आमेर से फिर उसको पता लगा कि नहीं श्री जी आमेर से सांगानेर चले गए हैं तो वो भी आमेर से सांगानेर पहुँचे और उस टाइम उदयपुर के क्षत्रिय कछवाहा वंशज के विष्णु सिंह का राज्य था लेकिन उसकी राजधानी जयपुर पड़ती थी अपनी सुरक्षा के लिए विष्णु सिंह जी आमेर के किले में रहते थे तो श्री जी ने सोचा कि वहाँ जाकर वे विष्णु सिंह जी को संदेश दो कि विष्णु सिंह जी जीवित हैं जी या मरे हुए हैं मतलब संसार की ओर तो सब जीवित है लेकिन परब्रह्म परमात्मा की ओर और, और राष्ट्र की रक्षा के लिए कितने लोग जीवित हैं अपने लिए तो हर कोई मरता है श्री जी ने यह सोचा कि विष्णु सिंह को संदेश और औरंगजेब के सामने लड़ने के लिए वो तैयार हो जाए तो यहाँ सुंदरसा जी मुकुंदासी भी सांगाने श्री जी को मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों के साथ वार्तालाप भी होता है और मुकुंदासी के अंदर रात्रि को जब मुकुंदासी ने श्री जी के साथ कोई डिस्कस चर्चा वार्तालाप किया तो मुकुंदासी के अंदर श्री जी ने बहुत एक अदम्य साहस देखा एक धर्म के प्रति लड़ने की एक जिज्ञासा देखी तो सुंदर जी जब जिज्ञासा अंदर देखी तो श्री जी ने पूछा कि मुकुंदासी यहाँ आसपास के इलाके में धर्म प्रचार का कैसा चल रहा है तब तो मुकुंदासी ने बताया कि श्री जी यहाँ उदयपुर में जब मेरा धर्म प्रचार चल रहा है वहाँ धनी बाबा का पंथ चल रहा है और वहाँ के बहुत अनुयायी धनी बाबा के पंथ का है और इतना ही नहीं जरगा पंथी के लोग है वो और वहाँ ये जो जरगा पंथी के लोग है और धनी बाबा के पंथ में उसके धर्म ग्रंथों में हमारी बहुत सी साक्षियाँ भी है ये जब मुकुंदासी ने श्री जी को बताया तो श्री जी ने बोला कि मुकुंदासी तुम जल्दी से जाओ कहाँ उदयपुर लेकिन बीच में सुंदरसाज जी एक प्रसंग घटता है कि जब मुकुंदासी रास्ते में आ रहे तब रास्ते में उसने मवासी लोगों के जो चोर लुटे लोगों ने लूटने का प्रयास किया उसकी जेब में ४०० रुपये थे कितने थे ४०० रुपये थे और सामने रास्ते में शेख बदल भी उसको मिलते हैं उसकी गिरोह में कितने पैसे थे तीन सौ रुपये थे वहाँ से जब श्री जी निकले कामा पहाड़ी से तो पत्रिका व्यवहार तो चलता रहा वहाँ से सुंदर साथ ने यह नहीं सोचा कि श्री जी जा तो रहे उसकी खर्ची के लिए रास्ते के खर्ची के लिए या कोई भी वहाँ भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम थोड़े कुछ पैसे तो वहाँ भेजें तो पैसे भेजने भी भूल गए थे सुंदर जी श्री जी भी हमारी तरह एक जिस तन में अक्षरातीत श्रीराज जी की आवेश शक्ति बैठी है ने वो तन भी हमारा जैसा ही है पांच तत्व का ही है उसको भी शीप धूप दू, वर्षा ये सब सहन करना पड़ता है और सुंदरसा जी वो भी हमारे लिए कहाँ कहाँ गांव गांव शहर शहर अलग अलग स्थानों में वो बिचारे आत्मा के लिए श्री जी हमारे लिए कितनी कसनी कर रहे हैं सुन्दर साथ जी तो यहाँ श्री जी एक पूर्व गांव में एक चार पाई खाट पर बैठे हुए हैं कहाँ बैठे हैं पूर्व गांव में चार पाई पर एक खाट पे सोए हुए हैं वहाँ और दो सुंदरसाथ है मलूपचंद और छबील दास दोनों पास में बैठे हैं लेकिन तीन दिन से खाया नहीं है श्री जी ने कितने दिनों से तीन दिन से वो भूखे है उसके पास उस खाने पीने का सुंदर साह जी पैसे और कुछ सेवा भी उसके पास नहीं थी क्योंकि जिस तन में जो सुंदर साहद जी अक्षरातीत बैठे हैं जिस तन में अक्षरातीत स्वयं बैठे हैं क्या उसके लिए ये खेल कोई कठिन है क्या कोई भारी है लेकिन ये श्री जी ने भी ये प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया बताया न ने कि नेक रखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम न तो अंदर केतीबेर लेते हम श्री जी ने किसके लिए ये रात को खींच के रखा है हमारे लिए उसके लिए तो एक चुटकी का खेल है उसके लिए कोई खाने पीने की चीज़ या कुछ भी पदार्थ की जरूरत के लिए क्या कोई कठिन थोड़ी है वो तो पल में सुंदर सा जी चाहे तो अनंत धन संपत्ति कई धन संपत्ति वो एकत्रित एक कर सकते हैं जिसको आने से इस संसार में सुंदर सा जी ये पूरा संसार अखंड होने वाला है उस धाम उस तन से जो ये वाणी प्रवाहित हुई उस वाणी से पूरा संसार को अखंड मुक्ति मिलने वाली है उस श्री जी के लिए कोई कठिन चीज नहीं है लेकिन उसने भी ये प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया वो बेचारे भूखे तीन दिन से हमारे दो सुंदर साथ वो श्री जी वहाँ सोए पड़े हैं वहाँ मुकुंदासी और शेख बदल पहुँचते हैं अपनी गिरोह से अपनी जेब से वो पैसे निकालते हैं और बाजार से कुछ चीज खरीद के सुंदर साथ जी वो लाते हैं और रसोई बनाते हैं और सुंदर साथ वो श्री जी को खिलाते हैं यहाँ धामधनी हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं क्या समझा रहे हैं कि सुंदरसा जी धामधनी अक्षरातीत प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम ने जो मूल मिलावे में बोला था कि सुंदरसा जी में आप जब ये मायावी खेल में जाओगे ने तब आप अपने को भूल जाओगे घर को भूल जाओगे स्वयं अपने निज स्वरूप को भी आप भूल जाओगे तो मैं जगाने के लिए आऊँगा क्या बोला था मैं आपको एक एक स्थानों पर एक एक शहर में नगर नगर सुंदरसा जी श्री जी का कदम कदम एक एक ब्रह्मात्माओं के लिए सुंदरसा जी पढ़ रहे हैं तो उसने जो बोला था वही कर्तव्यों को आज धाम धनी निभा रहे हैं तो आज हम क्या कर रहे हैं बस हम, हम अपने को पूछे हम अपने दिल को तोले स्वयं अपनी आत्मा को हर कोई जो भी सुंदर साथ है अपने अपने को तोले वो अपने को सजा दे और अपने को पूछे अपने दिल को कि हम क्या कर रहे हैं धाम धनी ने तो पाँच दिन तक अपना पूरा कर्तव्य बजा लिया और एक एक जगह ये संदेश देते देते एक एक घर में जाकर पूछते हैं कि यहाँ कोई मेरी आत्मा आई है मेरे को लौकिक चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है बस मेरे को तो मेरी आत्मा की लगी है सुंदर सा जी हम तो अवगुण करते रहे वो हमारे पर गुण भरे निधान गुण के सागर वो गुण ही करते रहे बस गुण ही हमारे ऊपर हम तो कई अवगुण कोट अवगुण किए लेकिन उसने हमारे अवगुण की ओर नहीं देखा और कितने वचन कहे धाम धनी ने पांच दिनों में सुंदर सा जी ये पाँचवें दिन की लीला चल रही है यहाँ बता रहे धाम धनी वाणी में के तो भी ना लगिया कले जे घाव तो भी ना लगिया कले जे घाव एते गुण धनी तेरे मैंने सहे तो भी ना लगिया कले जे घाव इत, इतना ही नहीं और आगे भी बताया के पल में कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत ऐसे अक्सर ब्रह्म भी चाहे हमारा दर्शन क्या बताया ऐसे पल में कई करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और पल में मिटाते हैं ऐसे अक्सर ब्रह्म भी हमारा दर्शन चाहते हैं ऐसे हमारी शोभा है सुंदर शाह जी इतना बड़ा दावा लेकर हम आए हैं ये धाम धनी ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया और आज शहर शहर नगर नगर सुंदर शाह जी आत्माओं की भीख मांग रहे आत्माओं की खोज में लगे हैं और हमको कितनी लगी है बस आप अपने स्वयं को पूछे ये धाम धनी की जो लीला चल रही है ना आ तीन दिन से जो धनी परम धाम कैसा है सत चिद और आनंद के स्वरूप परम धाम कैसा है सत चिद और आनंद का स्वरूप है वो स्वलीला अद्वैत है वहाँ कोई चीज की कमी नहीं है सुंदर सा जी वहाँ हम जो ने ये पल में वहाँ चीज़ें हाजिर हो जाती है सुंदर सा जी वहाँ कोई तोड़ने की लेने की या मुंह में डालने की या खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मैं मे, मेवे चाहिए सो लीजिए फल फूल पाता जैसा बनिया तैसा ही रहिया ये बक्का बागों की बात वहाँ से जो भी हम चीज़ की इच्छा करते हैं वो चीज़ हाजिर हो जाती है और हमारे मुंह में भी आ जाती है इतना नहीं उस स्वाद का भी वहाँ पता लग जाता है मुंह में आने से पहले ही और इतना ही नहीं एक फल में सब फल के टेस्ट है एक फल मान लो हमने आम खाई अमृत वंश से हम जब अंदर रोस पे जा रहे हैं तो हमने वहाँ से आम एक खाई तो आम के अंदर ही केले के सुंदर साजी बनाने के या अनार के सेब के ये सब टेस्ट अंदर है वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है एक चीज़ में पांच सुंदर एक एक इंद्रियों में पांच पांच गुना और सब एक में टेस्ट है सब एक में स्वाद है यहाँ देखो ऐसे हमारे अनंत सामग्रियों से भरपूर हमारे दिव्य धाम और आज धाम के धनी इस संसार में क्या लीला करके हमको शिक्षा दे रहे सुंदर जी तो ये सुन के भी हमारे दिल में चोट लगनी चाहिए तो यहाँ मुकुंदासी जब मुकुंदासी के साथ कई वार्तालाप हुए और मुकुंदासी को सुंदर जी मुकुंदासी ने जब बताया कि यहाँ जरगा पंथी धनी बाबा का पंथ है और उसके बहुत से अनुयायी है उसके धर्म ग्रंथों में हमारी साक्षियां भी बहुत सी है तब श्री जी ने बोला कि तो मुकुंदासी तुम ऐसा करो तुम जल्दी से उदयपुर जाओ और उदयपुर जाके वहाँ जो आत्माएं आई है अलग अलग स्थानों में उसको जगाओ तो यहाँ सुंदर सा जी श्री जी अभी कहाँ पहुँचे हैं पूर्वाम में है अभी उदयपुर नहीं पहुंचे अभी बाद में जाएंगे पहले बताया यहाँ पहले कि श्री जी कामा पहाड़ी से उदयपुर मतलब पहले एंट्री मतलब प्रवेश कराया फिर यहाँ अभी उदयपुर नहीं पहुँचे है वो पूर्व गाम में है यहाँ मुकुंदासी को बोलते हैं कि तुम वहाँ जाओ तो मुकुंदासी कहाँ पहुँचते हैं उदयपुर में जाते वहाँ जाके लादू मसानी को मिलते किसको मिलते हैं लादू मसानी को मिलते हैं और लाधु मसानी को चर्चा करके उसकी आत्मा को जगाते हैं और वहाँ लाधु मसानी बोलते हैं कि जाओ तो हे मुकुंदासी तुम सब सुंदर साथ को तुम और श्री जी को सबको लेकर यहाँ आओ और यहाँ मुकुंदासी क्या करते हैं वहाँ से सीधे जो बाइजूराज और सुंदर साथ को कहाँ छोड़ा था उस टाइम पे सुंदर साह जी आगरे में छोड़ा था कहाँ छोड़ा था आगरे में तो वहाँ सीधे मुकुंदास जी उदयपुर से आगरे जाते हैं वहाँ बाईजुराज और सब सुंदर साथ को लेकर पूर्वाम में आते हैं पूर्व में आने के बाद सब सुंदर साथ को मिलते हैं और वहाँ से लेके लेने लेके वहाँ चलने की तैयारियाँ करते हैं उदयपुर की ओर जाने के लिए लेकिन बीच में एक और घटना घटित होती है हमारे सुंदर साथ कितने महीने से औरंगजेब बादशाह की कैद में है चार महीने से कितना महीना हो गया तब तक चार महीना पूरा हो गया और वहां से पत्री आई क्या आई पत्री आई सुंदर साहद की ओर से कि श्री जी हमने ये लोगों के साथ बादशाह के दरबारियों के साथ और बादशाह के साथ रहते रहते हमने ये लोगों के साथ बहुत से अनुभव कर लिए हैं और ये लोग मानने वाले नहीं हैं हमने बहुत सी सनंद की बातें बातों से भी समझाया और क्यामत के साथ निशानों की बातों से समझाया और इमाम मेहंदी जमा प्रकट हो चुके हैं ऐसी कई बातों से हमने उसको समझाया लेकिन वो लोग मानने वाले नहीं हैं ये लोग तभी मानेंगे कि उस पर परब्रह्म के कहर रूपी दंड बरसेगे क्या परब्रह्म के कहर रूपी दंड बरसेगे तभी ये लोग मानेंगे तो हम ऐसा करें श्री जी आपकी जो इच्छा है आपकी जो इच्छा है अभी मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि सुंदर साथ वहां से छूटे नहीं नहीं है श्रीजी सिर्फ कामा पहाड़ी से निकले थे ठीक है तो यहाँ सुंदर साथ ने पत्री के माध्यम से लिखा कि श्री जी आपकी जो इच्छा हो आपकी जो आज्ञा हुक्म हो तो हम हम भी उदयपुर आ जाए हाँ जो आप बोलते हो कि नहीं नहीं ब्रह्म सुष्टिया है बारह मोमिन सुंदरसाज जी आपको तो यहाँ रहना है बादशाह की कैद में और सन्नंदों के प्रकरणों से समझाना है और सन्नंद गा गा कर उसको समझाना है या कई क्यामत संबंधी आपको संदेश देना है तो जो आप ऐसा कहेंगे न तो हम वहाँ रहेंगे खुशी खुशी क्या बोला तो हम आनंद मंगल में खुशी खुशी रहेंगे लेकिन जो आप ऐसा लिखोगे पत्र में कि नहीं सुंदर शाह जी तुम वहाँ से आ जाओ तो हम आने के लिए हम तत्पर है और आपके दर्शन के लिए भी हमारी आंखें तड़प रही है और प्यासी भी है आपके दर्शन के लिए तो आप जो बोलेगे पत्री के माध्यम से तो हम भी वहाँ आ जाएंगे तो श्री जी ने पत्र लिख के भेजा कि नहीं सुंदर शाह जी चार मास तक आप संदेश देते देते कितने मास बीत गए चार मास बीत गए नहीं आप आ जाइए आप उदयपुर आ जाइए तो यहाँ श्री जी ने चपत्र में भेजा तो सुंदर साथ ने जाके उसके काजी शेख इस्लाम को मिलते हैं किसको मिलते हैं उसके काजी शेख इस्लाम को मिलते हैं शेख इस्लाम को मिलने के बाद काजी शेख इस्लाम को बताते हैं कि भाई काजी साहेब हम हमारे घर वापस जाना चाहते हैं तब तो शेख इस्लाम काजी ने बोला कि भाई अभी मैं आपको छुट्टी रजा नहीं दे सकता मैं बादशाह को मिल लूँ और आपको परसों मैं कल बादशाह को मिल लूँ और बादशाह जैसा हुक्म करेगा तो आप ऐसा करो परसों मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मेरे पास आ जाना मेरे पास आप आ जाना तो यहाँ बताया सुंदर शाह जी जब श्री जी ने ये पत्री में लिखा तो शेख का इस्लाम काजी ऐसा जब सुंदर सात को बताया तो एक दिन बीता दूसरे दिन शेख इस्लाम काजी को सुंदर सात मिलते हैं और शेख इस्लाम काजी बोलते हैं कि सुंदर शाह जी तुम खुशी खुशी है मोमिन क्या बोलते हैं मोमिनो तुम खुशी खुशी अपने घर जा सकते हो तो यहाँ मोमिनों को विदा करते हैं और इतना ही नहीं जब बादशाह भी वहाँ साथ में है कौन है सिर्फ मोमिनों को विदा करने के लिए सिर्फ दरबारी लोग नहीं आए हैं वहाँ बादशाह भी सामने है मोमिनों के बार तीन बार देखा कितनी बार देखा मोमिनों के सामने तीन बार देखा और तीन बार देख के अपना सिर नीचा कर लिया क्या कर लिया अपना सिर शर्म के मारे ही तो करेंगे क्या करेंगे बादशाह को पता तो लग गया था कि इमाम मेहंदी मेरे दरबार में मेरे आंगन में आए मैं पहचान नहीं पाया लेकिन सर, सरियत का शासन अपनी सत्ता अपनी प्रतिष्ठा अहंकार में डूबे हुए बादशाह ने ये स्वीकार नहीं किया क्योंकि अपना शरीयत का शासन समाप्त तो होने के डर से उसने स्वीकार नहीं किया तो यहाँ नीचा सिर करके क्या सोच रहे हैं? और क्या बोल रहे अंदर से कि रहमत करो खुदा रहमत करो उस पर कृपा बरसाओ खैर बरसाओ हे खुदा ताला सुंदर सा जी उसने एक पत्र भी यदुराज सरकार के टाइम पे एक पत्र लिखा है उस पत्र के अंदर लिखा है बादशाह ने बोला कि इमाम मेहंदी मेरे घर पे आए मैं पहचान नहीं पाया मैं खाली तो आया था लेकिन खाली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कई कर्मों के बंधन बंधे और इतना ही नहीं जो शासन मैंने सुव्यवस्थित ढंग से चलाना था ये मैं नहीं चला पाया मैं सत्य की राह पर नहीं चल पाया इतना ही नहीं और भी अपने पुत्रों को बुलाकर उसको भी सावधान करते हैं अलर्ट करते हैं उसने अपने पुत्रों को बोला अपने बच्चे को कि हे बेटा तुम कभी भी छत्र साल के सामने लड़ना नहीं तब अपने पुत्रों ने बोला कि क्यों पिताजी तब बोला कि भाई छत्र साल के घर पे स्वयं इमाम मेहंदी के स्वरूप में कौन खुदा ताला अल्लाह ताला की शक्ति आई है उसके सामने लड़ने से हमारी विजय कभी भी नहीं होगी तो ऐसे ऐसे कई संदेश उसने पत्र के माध्यम से बताए है कि मैं जा रहा हूँ इस संसार को छोड़कर जो मैंने करना था वो मैं कर नहीं पाया हूँ तो सुंदर शाह जी यहाँ अफसोस वो भी कर रहे हैं अंदर से एक प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि खुदा ताला उस पर रहमत करो रहमत करो उस पर खैर बरसाओ कृपा करो फिर बोलते हैं कि भाई ये सुंदर शाह जो जा रहे हैं न उसके लिए रास्ते की खर्ची के लिए तुम सौ रुपये भी दे दो तो जो उसके आसपास के और दरबारी लोग थे उसने सौ रुपया आकर ये सुंदर को दिया सुंदर सात वहाँ से निकल कर सुंदर जी जब चल पड़े तो एक दो दिन के लिए वो दिल्ली में रुके और वहाँ से फिर जाके के सुंदर की जमात में वो शामिल हो गए बाहर जो मोमिन हमारे थे न चार मास तक रुके कितने मास तक चार मास तक रुके और वहाँ जाके निजानंद संप्रदाय की जो जागनी के एक मिशन जो चल रहे है वो सुंदर साथ के साथ साथ में वो शामिल हो गए और अपनी जो वेशभूषा जो फकीरों की धारण की थी ने वो वेशभूषा उतार कर हिंदू वेशभूषा उसने धारण कर ली वेशभूषा अपनी धारण कर ली और सुंदर जी उसके बाद आगे जब जाते हैं तो अभी उदयपुर सुंदर साथ नहीं पहुँचे हैं लेकिन वहाँ उस समय एक और घटना घटती है कि वहाँ आहेड़ के और सुंदरसाथ भी शामिल होते हैं आहेड़ के सुंदर साथ में एक मोटी बाई करके भी सुंदर साथ है जो मोटी बाई सुंदर साथ है वो रोज राज की मस्करी भी करते हैं क्या करते हैं राज की मस्करी करते हैं राज जी, श्री जी की क्या उसको एक ये शोभा मिली है हंसी करने की क्या हाँसी करने की सीजी जी के साथ कोई बातचीत करते करते परमधाम की ये खेल की खेल में जो खेल हो रहे और सुंदर साथ ने अपना वतन भुला दिया कितने बड़े बड़े दावे करके आए थे तो यहाँ सीजी जी के साथ कहीं हाँसी की भी सुंदर साथ जी लीला होती है उस टाइम पे और क्या लीला घटित होती है उस टाइम पे ये ये उदयपुर के जो राजा है राजसी राणा कौन है उदयपुर के राजा राजसी राणा है उसको पता लगता है कि हमारे उदयपुर में कौन पहुँचे है ये श्री जी और सब सुंदर साथ पहुँचे है ये जब समाचार सुना यहाँ सुंदर साथ भी सब उदयपुर पहुँच गए ठीक है अभी क्या बताया कि सब सुंदर साथ भी श्री जी मुकुंदासी सब सुंदर साथ और श्री जी को लेकर उदयपुर पहुंच गए ये आगमन का समाचार किसने सुना राज राणा ने ये आगमन का समाचार सुना तो आगमन का समाचार सुनने के बाद सुंदर साथ जी उसने अपने जो पंडित लोग राज पंडित लोग अंदर जो दरबार में रहते थे उस राज पंडित लोगों को क्या कहते हैं और वहाँ एक चर्चा भी चल पड़ी क्या चर्चा का प्रवाह चला सुंदर साथ जी कि वहाँ चर्चा ये चली कि वहाँ जो सुंदर साथ का दर्शन या श्री जी का दर्शन के लिए और बाहर के लोग जो आते थे ने वो लोग क्या बोलते थे कि कोई बोलते थे कि ये तो अवलौकिक महात्मा है उसके पास अनंत नेत्र है इतना नहीं उसके पास अगाध ज्ञान है और कोई लोग जो आते थे तो वो क्या करते थे वो तो उसकी निंदा भी करते थे और इतना ही नहीं चुगली करने के लिए निंदा करने के लिए आते थे और जो राणा लोग थे वहाँ राणा के जो दरबारी पंडित लोग थे वो भी अपना वहाँ शोर मचाते थे, थे वो भी निंदा चुगली की बातें करते थे और उसके बाद क्या लीला घटित होती है और राजा राजा ने बोला कि भाई जाओ तुम पंडित लोग वहाँ जाके तुम एक जांच करो क्या जांच करो वहाँ जाके कि भाई जो ये वहाँ से लोग आए हैं उदयपुर में जो आगे से एक अवलौकिक कोई महात्मा है उसके साथ बहुत सी सुंदर साथ की जमात चल पड़ी है तो ये लोग किस कारण से आए हैं और कहाँ से आए हैं उसका उद्देश्य क्या है ये वहाँ जाके तुम जांच करो तो वहाँ राजा के पंडित लोग वहाँ जाते भी है कहाँ जाते हैं श्रीजी के पास श्री जी के पास जब जाते हैं तो ये लोग कैसे है? पेटा है। क्या कैसे है, लोग? ये लोग कैसे है पंडित लोग पेटा रथु पेटा रथु किस किसको कहते हैं सिर्फ अपनी पेट की चिंता खाने पीने की चिंता करे उसके अंदर न ज्ञान हो न भक्ति हो ना, हो, है? ना कोई अंदर वैराग्य के लक्षण हो जो सिर्फ अपनी पेट की खाने पीने की ओढ़ने पहनने की अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की चिंता करे वो लोग पेटा रथु कहे जाते हैं तो यहाँ श्री जी के साथ ये पंडित लोगों की चर्चा होती है शास्त्रार्थ होता है तो सुंदर शाह जी वहाँ श्री जी क्या पूछते हैं पंडित लोगों को भागवत के चालीस प्रश्न और वेदांत के पंद्रह प्रश्नों भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न पूछते हैं लेकिन एक का भी उत्तर उसको आता नहीं है तो यहाँ पंडित लोगों ने क्या सोचा अंदर कि भाई ये लोग जो महात्मा लोग आए हैं ये तो हमारी रोजी रोटी का सवाल है ये लोग तो हमारी रोजी रोटी भी टाल देंगे ये जो ऐसा होता रहेगा तो चलो हम उसकी निंदा करना शुरू कर दे यहाँ चालीस प्रश्न भागवत के पूछे और पंद्रह वेदांत के पूछे अपनी बहुत बुद्धि की दोट लगाई लेकिन एक का भी जवाब उसको नहीं मिला तो यहाँ सुंदरसा जी लालदास जी महाराज के धाम दिल में बैठकर धामधनी स्वयं बता रहे कि ये किसके वंशज है ये ब्रह्मा जी के वंशज है ये बड़का ब्रह्मा का तो वो जो ब्रह्मा जी ने भी क्या किया था और ये नहीं भृगु ऋषि भृगु ऋषि ने भी विष्णु भगवान की छाती पे लात मारी थी ने और ब्रह्मा जी ने क्या किया था जब कृष्ण जी द्रापर युग में कृष्ण जी जब गर्भ में थे देवकी के गर्भ में थे तभी उसने स्तुति की ये ब्रह्म की प्राप्ति के लिए स्तुति की जब बाहर आए तो उसने क्या किया परीक्षा ली ने बाहर आने के बाद उसने परीक्षा ली क्या परीक्षा ली बछड़े और गोप बालकों को हरण करके ले गए क्या परीक्षा ली कि गोप बालकों के साथ कृष्ण जी वन में जब गोप बालकों का जुठन खा रहे थे न तो ब्रह्मा जी को क्या लगा ऊपर देखते देखते कि ऐसा ब्रह्म है क्या ऐसे कोई भी ब्रह्म होते हैं क्योंकि ये तो ऐसे गोप बालक जो गरीब लोगों के बालक है उसका ये जुठन खाते हैं ऐसे कोई भी ब्रह्म कोई भी कोई दिन होते नहीं हैं तो उसने क्या किया कि चल मैं उसकी परीक्षा लूँ तो वो उसने परीक्षा ली गऊ बाल, बाल को गोप बाल को और गौ बछड़े को छुरा कर अपनी गुफा में कैद कर दिया जब एक दिन फिर एक साल के बाद देखने के लिए आते हैं तो देखते हैं तो तभी फिर यहाँ भी गौ को और गौ बछड़े हैं और वहाँ अपनी गुफा में भी वही है वही स्वरूप जो यहाँ है वही वहाँ है सुन्दरसाह जी तो ब्रह्मा जी तो चिंतित होने लगे अंदर से कि भाई ये कैसी लीला है ऐसी लीला तो मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ फिर देखा कि नहीं मेरी कोई गलती तो नहीं हो रही है चलो मैं गुफा में जाके देखूँ तो गुफा में देखे तो फिर वहाँ ही वही के और बछड़े है यहाँ देखे तो वही है तो फिर उसने जब सुंदर साहद जी फिर अंदर से जब सोचने लगे और उसने माफ़ी मांगी कृष्ण जी के पास क्षमा चाही लेकिन ब्रह्मा जी को माफ़ नहीं किया तब उसने कौवा का रूप धारण किया और प्रसाद के लिए जुट्ठे प्रसाद के लिए भी उसने बहुत से प्रयास किए लेकिन एक जुट्ठन का एक कण का भी उसको एक प्रसाद का एक कण भी मिला नहीं उसके बाद उसने मछ मचल, मछली का रूप धारण किया लेकिन कृष्ण जी ने बोल दिया कि आज अनकुट का दि, दिन है तो आज आप ऐसा करो हाथ मुँह के धोने के लिए जमुना जी में नहीं जाना है क्योंकि आज आप ऐसे करो ऐसे सब अपने हाथों चा, को चाट कर अंदर ही अंदर खा जाना है क्योंकि उसको पता लग गया था कि ब्रह्मा जी ने क्या रूप लिया है कौए का तो हाथ मुंह भी जमुना जी में धोने नहीं दिया दोनों रूप लिया लेकिन प्रसाद के एक कण भी पा नहीं सके हम भोग में बोलते हैं न कोटि जतन ब्रह्मा करी था के सोजूठन नहीं पाए हो वाला मारा सो जुठन धानी सहज कृपा सो पांच मनीष दीन पाए हो वाला मारा पांच मनि स दीन पाए हो वाला मारा सो झूठन धनी सहज कृपा सो पंचमी सदिन पाए यहाँ ब्रह्मा जी को एक कण भी मिला नहीं सुंदर सा जी यहां उसके बाद किसका नंबर आया भृगु ऋषिका तो उसने क्या विष्णु भगवान की पौराणिक एक मान्यता है कि विष्णु भगवान की छाती पे सीने पे लात मारी थी तो यहाँ बताया कि ये उसका ही वंशज ये ब्राह्मण लोग ये ब्राह्मण लोग कभी भी सत्य की राह पर नहीं चले गए और वहाँ एक और भी घटना घटित होती है एक बार द्रापर में कृष्ण जी अपने गौ बालकों को लेकर वनों में गाय चराने के लिए गए क्या क्या गए, कहा गए है कहाँ गए हैं सुंदर जी गाय बछड़े चराने के लिए गए हैं तभी साथ में भोजन लेकर नहीं गए हैं और आगे ब्राह्मण पंडित लोग वहाँ क्या करवा रहे हैं यज्ञ करवा रहे हैं उसमें ऋषिश्वर कहा गया है ऋषि तो उसको कहा जाता है कि समाधिस्थ अवस्था में वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं उसको ऋषि कहा जाता है ये ऋषि तो कैसे थे याग्निक कर्मकांडी ब्राह्मण थे उसको ऋषिराज नहीं कहा जाता लेकिन यह चौपाई में बताया कि ऋषिश्वर यज्ञ कर रहे थे क्या जंगल में तो कृष्ण जी ने तभी भी परीक्षा ली कि जाओ गोप बालकों को बोला कि जाओ वहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं न वहाँ से खाने पीने की थोड़ी भोजन लेके आओ तो जब ये गोप बालक वहाँ गए कहाँ ब्राह्मण लोग के पास जब वहाँ गए तो उसने क्या बोला कि जब तक हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा तब तक हम आपको भोजन नहीं देंगे तो सुंदरसा जी उसने पहचाना नहीं फिर वो वापस आए वापस आने के बाद कृष्ण जी को बोला कि कृष्ण जी उसने भोजन प्रसाद कुछ हमको दिया नहीं तो कृष्ण जी ने बोला कि तुमने किसके पास मांगा था तो उसने बोला कि हमने तो ब्राह्मण लोगों के पास मांगा था तभी बोला कि भाई ब्राह्मणों के पास आपको मांगना नहीं था तो बोला कि किसके पास तो उसकी पत्नियों के पास तब जाके उसकी पत्नियों को बोला कि कृष्ण जी को और गोप बालकों को थोड़ा कुछ भोजन चाहिए तब उसने पत्नियों ने यज्ञ तो चालू था वो कर्मकांडी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे लेकिन पीछे से क्या कर दिया अपने भोजन प्रसाद गोप को को दे दिया तो ये गोप बाल को लेकर आए तो ये ब्राह्मण लोग उसके ही वंशजे यहाँ वो जवाब नहीं देते हैं ये प्रसंग भी यहाँ घटते हैं ये प्रसंग भी ऐसे उसने उसको, प... उसको डर लगा कि अब हम क्या करेंगे उसको डर लगा कि अब हम क्या करेंगे जवाब भी नहीं आया और राणा हमारे जो मेहनत के पैसे रात दरबार से मिलते हैं वो भी वो नहीं देंगे तो यहाँ निंदा करनी शुरू कर दी ये लोगों को कोई काम मतलब कोई भी भूल नहीं निकली और कोई भी बहाने जो ढूंढ रहे थे वो भी नहीं मिले तो उसने क्या किया निंदा करनी शुरू कर दी और राजा को क्या बोलने लगे कि राजा जो हम कहते थे ना पहले भी कि वैरागी लोग कोई काम के नहीं है ये लोग तो बुरे लोग हैं हम पहले से भी आपको कहते थे ये लोग यहाँ सुंदरसा जी ऐसे निंदावा शुरू कर दी उस टाइम पे और एक घटना भी घटित तो होती है क्या कि इस टाइम पे श्री जी एक तालाब जब उदयपुर में एक झील है तालाब है वो वहाँ जाके उस किनारे पे एक हवेली लेकर सुंदर साथ वो जी माँ ठहरते हैं सुंदर साथ वो श्री जी वहाँ ठहरते हैं और ठहरने के बाद जी माँ चर्चा प्रारंभ कर देते हैं क्या कर देते हैं वहाँ श्री जी चर्चा प्रारंभ कर देते हैं चर्चा चितवनी वहाँ राणा आते हैं एक दिन और आके दर्शन करके वहाँ से चले जाते हैं और जी वहाँ पटका के भी काम सुंदर साहद जी आगे बताएंगे कि वहाँ पट का भी काम शुरू होगा और वहाँ से श्री जी ने क्या देखा वहाँ श्री जी ने क्या देखा सुंदर साथ के अंदर कुछ कुछ संशय और भेदभाव और मतभेद देखे और अवगुण भी सुंदर साथ के अंदर श्री जी ने देखे तो श्री जी ने तभी बोला तालाब के किनारे जब गए तो सुंदर साथ के बीच में जो जो लीलाएँ होती रही उसके बीच में जो जो अवगुण भासे तो श्री जी ने बोला कि सुंदर साहद जी तुम ऐसा करो कि अभी हम वैरागी बेस धारण कर ले क्या करें हम वैरागी बेस धारण कर ले लालदासी महाराज के धाम दिल में बैठकर यहां यहाँ सिर्फ इतना बता दिया कि तुम्हारे अंदर जो ये भेदभाव मैंने देखे हैं ये अवगुण मैंने तुम्हारे दिल में जो देखे हैं क्या देखा कोई कोई सुंदर साथ को ऐसा लगता था कि देखो ये जो सुंदर साद बारह मोमिन हमारे साथ शामिल हुए ना अभी अभी दिल्ली से आकर ये लोग मुसलमान के साथ रह कर आए हैं ये लोग मुसलमान के साथ कितने महीने रहे वहाँ चारों मास तो कई कई ऐसी बातों को सुनने को उसको मिली तो जो कोई कोई वैसे भी ऊँच नीच का भी कोई भेदभाव देखा क्योंकि उसमें से लालदासी लक्ष्मण सेठ तो नियानबे जहाज के मालिक थे वैसे भीम भाई भी वेदांत के आचार्य थे और उसके अंदर और भी कई सुंदर साथ थे जो कोई धनवान भी हो कोई गरीब भी हो तो कोई किसी के अंदर कुछ भी थोड़ा कुछ अंशमात्र भी भेदभाव देखे तो श्री जी ने क्या सोचा कि भाई सब एक सर एक समान बैरागी भेस धारण कर लो तो किसी के अंदर कोई मतभेद कोई ऊँच नीच ये भाव रहेगा नहीं इसलिए सुंदर सा जी यहाँ श्री जी ने ये सबको ये धारण करवाया सबको ये धारण करवाया और उसके बाद एक अवल खान वहाँ कौन मिलते हैं एक अवल खान भी मिलते हैं अवल खान पठान है क्या है वो पठान है वो जब जा रहे अपने घोड़े पर सवार होकर तो जब जा रहे तो उसने श्री जी को श्री जी का दर्शन पाया श्री जी को देखकर कर अवल खान सुंदरसा जी वहाँ ही खड़े रह जाते और एक नूर मोहम्मद पहले ही श्री जी को मिल चुके हैं नूर मोहम्मद पहले ही मिल चुके हैं तो नूर मोहम्मद को अवल खान पूछते हैं कि अवल खान क्या पूछते हैं नूर नूर को कि हे नूर मोहम्मद जो वैरागी की तूने पहचान की है ये जो महात्मा आया है उसका तु, उसकी तू मेरे को पहचान करवा दे क्या करवा दे उसकी तू मेरे को पहचान करवा दे क्या पहचान कराने की बात बताई कि ये जो अवलौकिक महात्मा आए तो बता रहा है कि ये दिन इस्लाम की राह पर चलने वाले हैं ये नेक बंदे मोमिन हैं उसके पास हकीकत और मार्फत की जो बातें हैं और भी आगे नूर मोहम्मद ने बताया अवल खान को क्या बताया कि रसूल मोहम्मद जब आए जब अरब की धरती पे तब जो कुरान के अंदर जो आयत अवतरित हुई उसमें शरीयत और तरीक़त का ज्ञान था लेकिन वही रसूल ये दोबारा आए हैं जो ये हमारे जो ये खुदा ताला के अल्लाह ताला के नेक मोमिन जो ये बंदे हैं उसके साथ उसके हादी भी आए हैं ये हादी के अंदर रसूल साहब की सूरत भी आई है तो जब इतनी पहचान करवाई ने तो अवल खान अपने साथ जो एक चाबुक था घोड़े पर मारने का जो चाबुक था वो चाबुक को लेकर अपने पर चाटा मारने लगा क्यों मारने लगा उसने सोचा प्रायश्चित करने लगे कि अरे अभी तक ऐसे खुदा ताला ऐसे अल्लाह ताला मेरे सामने आकर आज इतने दिनों से यहाँ विराजमान हैं और अभी तक मैंने नहीं पहचाना क्योंकि यहाँ अबल खान ने नूर मोहम्मद को पूछा था क्या पूछा था कि भाई तू जो आज मेरे को ये पहचान नहीं करवाएगा तो रोजे महसर न्याय के दिन मैं तेरा दावन खींच कर मैं तेरा दावन पकड़कर तेरे पास सच्चा न्याय करवाऊंगा इंसाफ करवाऊंगा तो यहाँ जब पूरी तरह नूर मोहम्मद ने अवल खान को समझाया तो उसके अंदर बैठी हुई आत्मा जागृत हुई और जागृत होने के बाद अपने पर पश्चाताप करने लगा और अपने पर चाबुक मारने लगा सुंदरसा जी उस प्रसंग से हमको यही सीख लेनी है कि अवल खान को समझाने के लिए नूर मोहम्मद ने सिर्फ बस पाँच दस मिनट ही तो बात बताई कि रसूल दुबारा आए हैं ये नेक बंदे मोमिन है ये हकीकत और मार्फत की बातें करते हैं इतनी बातें बताई तो भी अवल खान को चोट लगी अभी मैं थोड़ी देर भी पहले बताया ने कि तो भी न लगिया कले जे घाव तो भी न लगिया कले जे घाव ये ते गुन तेरे सुने धनी तो भी न लगिया कले जे घाव ऐसे हमारे केशव दास जी भी निकल पड़े थे ने कहाँ से सिद्धपुर से निकल पड़े थे ये उसने किसके पास शब्द सुने थे ये चार शब्द भगवान दास रेवादास के मुख से सुने थे यहाँ सुंदर शाह जी अवल खान ने नूर मोहम्मद के नूर मोहम्मद के पास इतने शब्द सुने और कैसे अपने को चाबुक मारने लगे तो हम आज सुंदर शाह जी कितने सालों से ये वाणी सुनते आ रहे हैं किसी की चालीस पचास साठ सत्रह इतने सालों से हमने कितनी पारणे की होगी कितनी बार ये वाणी पढ़ी होगी कितनी बार टीका अर्थ वाली भी हमने वाणी के प्रकरण पढ़े होंगे इतना नहीं कितनी बार उसका स्वाध्याय चिंतन मनन किया होगा क्या हमारे दिल में ऐसे घाव बने क्या हमने ये स्तर की पहचान की जो आज अवल खान ने नूर मोहम्मद के पास ये वचन सुन के जो पहचान की है ये पहचान अवल खान की पहचान को देखकर सुंदर सुंदरसाजी आज निजानंद सम्प्रदाय समाज को यह शिक्षा लेनी है यह सीख लेनी है कि आज बड़े बड़े जो भंडारे बड़े बड़े जो कार्यक्रम हो रहे हैं राज्य की तो कोई बात ही सुनने को नहीं मिलती है वाणी की तो कोई बात ही सुनने को नहीं मिलती है बस ये पुराणों की कोई किस्सा कहानियाँ और ये चर्चा और बस ये बस सम्मान प्रारंभिक प्रवचन में आशीर्वाद और इसके सिवा तो पाँच मिनट में कोई प्रसंग का उद्बोधन होता है और तो कुछ नहीं मिलता है यहाँ ये प्रसंग को देखकर इतनी सीख लेनी है कि सुंदर साज जी ये अवल खान ने कैसे पहचान की और अपने ही शरीर पर चाबुक मारने लगे उसके बाद एक दिन राणा को ऐसा लगा कि चल आज मैं फिर तालाब पर जाऊं तो श्री जी अभी तालाब पर हवेली लेकर वहां सुंदर साथ के साथ रहकर चर्चा धाम की चर्चा चितवनी ये सब वहाँ लीला चल रही है उस टाइम पे क्या लीला वहाँ घटित हुई वहाँ पट का काम चल रहा था क्या काम चल रहा था परमधाम के पच्चीस पक्ष का चर्चनी का काम चल रहा था दरोगा के वहाँ देखभाल के लिए मुकुंदासी को सेवा दी गई थी किसको सेवा दे गई थी दरोगा के लिए देखभाल के लिए मुकुंदासी को वहाँ सेवा दी गई थी तो उस टाइम पे राणा को फिर एक दिन विचार आया कि चलो मैं वहाँ जाकर राजा का दर्शन राजा को ऐसा लगा कि श्री जी का मैं वहाँ जाके दर्शन करूँ तो वहाँ डर है कि मैं सीधे ही सामने जाऊँगा तो क्या होगा मैं उसके फंदे में फंस जाऊंगा तो दूर से राणा दर्शन करते हैं श्री जी का दूर से दर्शन करते वहाँ श्री जी तब उस सुंदर उस टाइम पे सुंदर साथ वो श्री जी किरणतन में मग्न है कहाँ वहाँ किरणतन का गायन चल रहा है कोई भी किरणतन का चाहे रास की वाणी हो चाहे किरणतन ग्रंथ की वाणी हो चाहे सागर ग्रंथ की वाणी हो चाहे सिंगार ग्रंथ की वाणी हो तो ये वहां किरणतन चल रहा है तो हम भी एक किरणतन की चौपाई वहां गा है हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार रहो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार अगम पार अपार पार अगम पार अ पहा तेरा करा अर हो मेरी वाह आसना बताया धाम धनी ने यहां के ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार अगम पार अपार पार ये तेरा करार परम धाम के पच्चीस पक्ष का जो काम चल रहा है तो उसमें बता हे सुंदर सा जी तुम्हारा घर ये हद ब्रह्मांड नारायण तक का नहीं है उससे परे भी अक्षरधाम बेहद भूमि का भी नहीं है तुम तो दिव्य परमधाम के रहने वाले मोमिन सुंदर साथ हो तुम यहाँ माया में क्यों फंसे हो चलो अपने घर परमधाम और पट का जो काम चल रहा है उसमें सुंदर साजी माणिक पहाड़ का वर्णन पुखराज का वर्णन होज कोसर का वर्णन जवेरों की नेहरों का वर्णन इतना ही नहीं चौबीस सांस का वर्णन चार आर हवेली का वर्णन वन की नेहरों का वर्णन आठ सागर आठ जिमी का वर्णन तो पच्चीस पक्ष का वर्णन यहाँ से शुरू भी हो जाता है फिर आगे परिक्रमा ग्रंथ कहाँ उतरेगा पन्ना धाम में उतरेगा खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार की वाणी वहाँ उतरेगी और वहाँ पहले हंसे भाई के घर से भी फिर पट का काम शुरू होगा परमधाम की 25 पक्ष का वर्णन भी वहाँ से शुरू होगा और सुबह में दास भाई भी स्वरूप का वर्णन करके चार बजे जब अष्ट पहर में आठवा पहरे इस टाइम पे हम लीला में ले गए तो वहाँ भी दास भाई भी आठवें पहर में सुबह चार बजे भी धाम का वर्णन करके स्वरूप का वर्णन करके मूल मिलावा का वर्णन करके वर्णन कर सुंदर सात को सुबह को सुनाते हैं तो यहाँ पट का काम पच्चीस परम धाम का ये यह काम यहाँ से शुरू हो जाता है और राणा किरंतन वहाँ सुनते हैं इतना ही नहीं सुंदर सा जी कुछ राज, रास की भी रामते वहाँ गाते हो कि एक रामतम गाए राम तर ताल रे ए माछेवला अका समा रामा रे ए माछे बला का भी समा बेसव उठव फरबु ने राम बेसव उठव फरबु ने राम ताली लेवा साम सामी रामा तकर तालनी रे छिवला का रामत राम करी रे एमा छेवला का भी समा वैसे तो बहुत सी नाम थे <coughs> कोणिया रमिए रे मारा वाला कोणिया रमिए रे मारा वाला ऐसी बहुत सी रास की भी रामत किरण तन और वाणी की रामत थे यहाँ सुंदर सात गा रहे और राणा दूर से दर्शन कर कर फिर वापस चले जाते हैं यहाँ पट का काम भी चालू है और यहाँ बताया धामधनी ने अंतिम चौपाई में कि राणा के अंदर जितना अंकुर था अंकुर माफक सुख लिया क्या बताया जितना अंकुर था इतनी माफक सूखा लिया और यहाँ अवल खान ने जो पहचान कर ली है तो पहचान करने के बाद राणा क्या करते हैं उसको हंसी उड़ाते हैं अवल खान की कि अवल खान तू तो मुसलमान पठान हो के भी एक हिंदू महात्मा पर ईमान लाया वैसी हंसी भी उड़ाते हैं और अपनी भी पूरी पहचान उसने नहीं की अंकुर माफक पहचान की और आगे और भी एक उदयपुर के प्रसंग जोड़ते हैं कि श्री जी फिर हवेली से जहाँ ताल के किनारे हवेली बनाई थी वहाँ जो सुंदर साथ रह रहे थे वो हवेली से फिर उदयपुर नगर में आ जाते हैं कहाँ आ जाते हैं उदयपुर नगर में आ जाते और उदयपुर नगर में आने के बाद वहाँ उस टाइम पे औरंगजेब बादशाह तब राजस्थान आया है उस टाइम पे तो उसको पता लगता है कि ये महात्मा लोग और जो उसके साथ वैरागी लोग भी उसके साथ बहुत से हैं वो उदयपुर में रहते हैं तो वो उदयपुर चढ़ाई करने के लिए सोचते हैं कौन औरंगजेब बादशाह और अपने मथुरिया नामक एक ब्राह्मण को दूत बनाकर वहां वहाँ भेजता है कहाँ उदयपुर के अंदर और उदयपुर के अंदर जाके मथुरिया नामक दूत वहाँ पुरोहित गरीबदास पुरोहित को मिलते हैं और पुरोहित को मिलते ही कहते हैं कि हे है पुरोहित जहाँ तू अपने राजा को बता दे कि वो अपने हिंदू वेशभूषा बदल कर मुस्लिम वेशभूषा धारण कर ले धर्म परिवर्तन कर दे और मुसलमान की वेशभूषा धारण कर कर लेंगे तो हम उसको पांच परगना पांच गांव दे देंगे किसने बोला ये मथुरिया नामक जो दूत आया था उसने पुरोहित गरीबदास को बोला और पुरोहित गरीबदास ने किसको बोला राजसी राणा को तो राजसी राणा ने क्या बोला गरीबदास पुरोहित को कि हे गरीबदास पुरोहित तू आज ब्राह्मण है मेरे सामने ये संदेश लेकर आया है तू आज ब्राह्मण है नहीं तो मैं अब भी तेरे को मार डालता क्योंकि तू ब्राह्मण है इसलिए मैं तेरे को छोड़ देता हूँ जा तेरी खुशी इसमें है कि तू यहाँ से मेरे सामने से चले जा नहीं तो तू मेरे सामने बच नहीं पाएगा तो यहाँ ये बात कहकर और जो मथुरिया नामक दूत अपने दिल में बहुत से ऊंचे विचार लेकर आए थे उसको एक अहंकार भी था मथुरिया नामक दूत को क्या था कि भाई मैं राणा के दरबार का एक सेवक भी हूँ एक दरबारी भी हूँ तो ये जो अहंकार लेके आया था लेकिन राणा के दरबार में उसका अपमान हुआ क्या हुआ उसका अपमान हुआ तो मथुरिया नामक दूत वो तो औरंगजेब के पास वापस चला जाता है लेकिन वहाँ जो बैठे हुए हैं राणा और उसके पंडित लोग उसमें बहुत हलचल मच जाती है और पंडित लोग बहुत अधिक शोर मचाते हैं इतना ही नहीं पूरे राज्य में क्या मच जाता है पूरा ही सौरभ मच जाता है जी वहाँ राज्य में और राशि राणा ने क्या बोला उस टाइम पे क्योंकि राज यह पंडित लोगों को तो पता है ना कि वहाँ भागवत के चालीस प्रश्न और वेदांत के पंद्रह प्रश्नों का उत्तर आया नहीं था तो अंदर क्रोध की अग्नि देश की अग्नि बहुत सी अग्नि अंदर ईर्षा की अग्नि जल रही है तो वहाँ निंदा करनी शुरू कर दी क्या कर दी राजसी राणा के पास के बोले के देखो मैं पहले से भी हम बोलते आए ने कि वैरागी लोग कोई काम के नहीं है ये बुरे लोग हैं तो यहाँ जब इतनी बात रखी तो राजसी राणा ने बोला कि भाई ये लोगों जो महात्मा और महात्मा के साथ कई वैरागी लोग आए उसको यहाँ से बाहर निकाल दो ये राजसी राणा ने क्या बोला कि भाई उसको उदयपुर से बाहर निकाल दो तब ये पता श्री जी को लगा किसको लगा ये पता श्री जी को लगा तो श्री जी ने बोला कि भाई राजसी राणा को संदेश भेजवाया कि राजसी राणा को क्या संदेश भेजवाया कि राजसी राणा को बोल दो कि हम औरंगजेब बादशाह की तो राह दिख रहे हैं किसकी राह दिख रहे हैं औरंगजेब बादशाह की राह तो हम दिख रहे आप डरो मत हम उसके साथ बात कर लेंगे क्या कर लेंगे हम उसके साथ बात कर लेंगे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है तो यहां राजसी राणा को बहुत डर लगा उसने अपने कोतवाल के माध्यम से संदेश भेजा और क्या भेजा उसने कहा कि हमारे राज्य में इतनी धन संपत्ति नहीं है हमारे अंदर इतना सामर्थ्य भी नहीं है हम इतने सक्षम भी नहीं हैं क्योंकि औरंगजेब बादशाह का तो बहुत बड़ा सैन्य है क्या है औरंगजेब बादशाह का तो बहुत बड़ा सैन्य है तो हमारे पास इतनी धन संपत्ति और सक्षमता नहीं है तो हम लड़ नहीं पाएंगे कोतवाल को बोला कि जाओ उसको बोलो कि हमारे राज्य से बाहर निकल जाए फिर जी ने संदेश भिजवाया क्या भेजवाया कि भाई राजसी राणा को बोलो कि वो चिंता ना करे वो चिंता ना करे ये काम हम स्वयं निपटा लेंगे हम उसके साथ रूब रूब बातें भी कर लेंगे आप कर, आप पर कोई संकट नहीं आएगा तो दोबारा जब राजसी राणा कोतवाल को भेजते हैं तो श्री जी के अंदर प्रेरणा मूल स्वरूप की होती है कि इंद्रावती की आत्मा के धाम दिल में कि भाई यहाँ से अभी निकल जाना ही ठीक है यहाँ रुकना ठीक नहीं है अंतस्वेरणा हुई ना उसके अंदर फिर कोतवाल आया तो कोतवाल ने बोला कि भाई तीन चार दिन के लिए निकल जाओ फिर बाद में तुम यहाँ आ जाना तो श्री जी ने बोला कि सुंदर साद को सुंदर सात जी आप ऐसा करो कि ये धर्म के विरुद्ध कार्य करना नहीं है और मूल स्वरूप की मेरे अंदर अंतस्वेरणा भी हो रही है तो आप, आपके साथ जो खाने पीने की कुछ जो चीज़ें है भारी भारी या वस्त्र या आभूषण या जो भी धन संपत्ति सेवा में सुंदर साथ की ओर से आई है इतना ही नहीं खाने पीने के लिए जो बड़े बड़े बर्तन है ये सब हम उठा पाएंगे नहीं तो ऐसा करो ने ये सब कुछ यहाँ उदयपुर में ही छोड़ देना हमारे लिए ठीक है हमारे लिए अच्छा है तो श्री जी ने सब सुंदर साथ को सूचना दे दी कि भाई सब सुंदर साथ अपने साथ जो भी धन संपत्ति, वस्त्र आभूषण है ये यहाँ उदयपुर में छोड़ के ही जाना है तो श्री जी ने और सुंदर साथ ने मिल के एक निर्णय कर लिया और निर्णय करने के बाद सुंदर जी क्या लीला हुई आगे ये लीला हुई कि वहाँ के जो एक महासी है वहाँ के जो एक महासी प्रमुख उदयपुर के हैं उसको बुलाया उसको बुलाने के बाद श्री जी ने बोला कि महासी हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया कि महासी हम आपके मुलक से जा रहे हैं हम आपके दरबार से जा रहे हैं आपके शहर से आपके मुलक से जा रहे हैं आपका मुलक उजाड़ हो जाएगा आपका मुलक वेरान सा हो जाएगा उजाड़ सा हो जाएगा हम यहाँ से जा रहे हैं आप थोड़ा सावधान हो जाना एलर्ट हो जाना सावचेत हो जाना तो महाशि ने बोला कि श्री जी क्या लीला घटने वाली है तो बोला कि उदयपुर को चारों ओर और, औरंगजेब बादशाह के सैनियों ने घेर लिया है और मैं तो यहाँ से सुंदर साथ की जमात को लेकर और आगे जा रहा हूँ तो तुम ऐसा करो उस तुमको मैं सिरों पाँव पहनाता हूँ तो सिरों पाँव मतलब चरण से लेकर सिर तक का वस्त्र तो महासिंह को सिरो पाँव पहनाया जो इस टाइम के वस्त्र राजा के आते थे ऐसे सिरोप पाँव पहनाया और उसके जो वहाँ के राजा और राजा के जो कर्मचारी लोग थे उसको भी बहुत सी चीज़ें वस्त्र आभूषण दिए उसको भी पहनाया वस्त्र आभूषण और इतना ही नहीं और भी जो बहुत सी चीज़ें थी ये चीज़ें सब सुंदर को उदयपुर के सुंदर को बांट दी और वहाँ से श्री जी निकल गए सुंदर साहद जी उदयपुर से सब सुंदर सात को चीजें वस्त्र आभूषण बांटकर कर और वहाँ से निकलने के टाइम श्री जी यहाँ से निकल पड़े कहाँ से उदयपुर से और उदयपुर से निकले तो रास्ते में मंदसौर जब हम पहुँचेंगे उससे पहले सुंदर साहद जी जो श्री जी वहाँ कई कई सुंदर सात जगे उस सुंदर साहद को किसी को पाताल से लेकर परमधाम की पहचान करवाई थी तो वो लोगों ने भी तारतम लिया और कई लोगों ने पहचान श्री जी का दर्शन करने से ही पहचान की थी और अपने दिल में बहुत से अनंत आनंद भर लिए थे उस सुंदर साथ ने भी वहाँ तारतम लिया और तारतम लेने के बाद सुंदर साथ श्री जी को चरणों में प्रणाम करते श्री जी ने बोल दिया कि अभी आप उदयपुर पर संकट आने वाला है मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ और श्री जी वहाँ से फिर आगे आगे जाते हैं और वहाँ से मंदसौर की ओर प्रस्थान करते हैं तो सुंदर जी उदयपुर से हम मंदसौर की मंदसौर के शहर मंदसौर शहर में हम प्रवेश करें मंदसौर शहर में पहुँचने के टाइम जब देखा तो उदयपुर पूरा उजाड़ सा हो गया था वेरान सा हो गया था वहाँ से सुंदर साथ की जमात के साथ सीधी मंदसौर पहुँचते हैं। मंदसौर में हम सब सुंदर साथ पहुँचते हैं तब क्या टाइम है विक्रम सन सत्तर सौ छत्तीस का समय पूरा हुआ और सैंतीस का शुरू हुआ उस टाइम पे हम मंदसौर में पहुँचे वहाँ जो बैरागी बेस श्रीजी और सब सुंदर साथ ने धारण किया वो बैरागी भेष का हम पहले वर्णन करेंगे उसमें श्रीजी ने जो बैरागी भेष कैसा धारण किया है कैसी अनुपम शोभा है कैसा अवलौकिक सुंदर स्वरूप धारण किया है ये छवि ब्रह्मांड में ये ब्रह्मांड से परे अखंड धाम बेहद से भी परे जो दिव्य परम धाम का अखंड अवलौकिक सुंदर जो स्वरूप धारण किया है ऐसी छवि इस ब्रह्मांड में नहीं है कैसा बेस धारण किया है यहाँ तो आगे ही चौपाई में धामधनी हमको बताएंगे श्री जी ने अपने सिर पर कंडप्पी पहनी है धामधनी लालदास महाराज के धाम दिल में विराजमान होकर कहाँ से शुरू कर रहे हैं सिर से लेकर चरण तक की शोभा बताएंगे तो कण्डपी किसको कहते हैं जो टोपी बोलते हैं सिर्फ सिर को ढकने वाली और जो कान को ढककर टोपी जो टोपी की जो शोभा बनती उसको बोलते हैं कण्डपी और उनकी जो ऊन उन होती नहीं उनके तारों से बनी हुई ये कंडपी सुंदर सा जी जो श्री जी ने धारण करके रखी है और गोपी चंदन का तिलक भी कैसे गोपी चंदन का तिलक जैसे दो तारे ऐसे ही जब गए हैं और बीच में एक छोटी सी बिंदी भी है और चंदन के दो ऐसे पंक्ति बनी है और बीच में एक बिंदी भी लगी है ऐसे गोपी चंदन का सुपेत रंग का तिलक भी श्री जी ने धारण किया है और आगे श्री जी की जो वेशभूषा बताएंगे या धामधनी बता रहे हैं कि तिलक ऐसो गोपी चंदन को बनो है कंडपी भी पहनी है गले में तुलसी की कंठी भी पहनी है और चार बली बड़ी मालाएं भी पहनी है और हाथ में कदरू के एक तुम्बे के कदरू भी हाथ में रखे हैं, एक कदरू कमर में भी कसकर रखे हैं, एक कदरू हाथ में एक कदरू कमर में कसकर भी रखे हैं, और धोती जो पहनी है वो आधी धोती पहनी है आधी धोती कंधे पर रखी है और कमर में अंगोछे भी बांधे हैं और इतना ही नहीं गले में गले में सैली भी पहनी है और हाथ में छोटी सी सुमरनी भी है तो ऐसा सुंदर स्वरूप जो श्री जी ने धारण किया है कैसी अवलौकिक छवि इस ब्रह्मांड में धारण की है सुंदर जी परम धाम में शिवराज जी का कैसा स्वरूप था और यहाँ कैसा स्वरूप धारण किया है श्री जी ने यहाँ सब मत पंथों की सब संप्रदायों की कुछ कुछ चिन्ह लिए हैं कुछ कुछ निशानी ली है कुछ कुछ, कुछ, -कुछ सुंदरशा जी जो निशानी में क्या क्या लिया है तो कबीर पंथ में टोपी पहनी जाती है तो श्री जी ने कंडप भी पहनी है और जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें गले में मालाएं पहनी जाती है और चंदन भी किया जाता है तो वैष्णव संप्रदाय की ये चिन्ह ये निशानी ली है जो परंपरा वैष्णव संप्रदाय की परंपरा में आते हैं और सिर मुंडवाना संन्यास मत की उसने निशानी ली है और हाँ श्री जी ने आ, कान जो कनफट्टे साधु गोरखनाथ के वहाँ आए थे न प्रसंग क्या कच्छ में जब खोज में लगे थे तभी मत के जो और गोरखनाथ के कनफट्टे जो नाथ पथ के जो साधु लोग थे वो क्या करते का कान में श्रवणी भी पहनते और यहाँ बाला भी सोने के कंचन के बाले भी पहनते ये कान छिदवा कर तो यहाँ नाथ पंथ की ये निशानी ली है स्रवणी और बाली की और सिर मुंडवाने की किसकी निशानी ली सन्यास मतवाले की और सुमिरनी उदासीन जो वैष्णव लोग हैं हाथ में सुमिरनी रखते और गले में जो शैली पहनते तो ये सब की निशानी ली है बैरागी बेश किसको कहा जाता है सुंदर शाह जी बैरागी बेस किसको कहा जाता है जिसने वैरागी बेश धारण किया है ये वैरागी वेशभूषा धारण करने के बाद उसके अंदर संसार की ओर कोई भी इच्छा बाकी न रहे कोई भी तृष्णा कोई भी इच्छा उसके अंदर बाकी ना रहे सब इच्छाएं मिट गई हो, वो उसको कहते हैं वैरागी सिर्फ बाहरी वैरागी वेश धारण करने से कोई वैरागी बोला नहीं जाता तो ऐसे सिर भी मुंडवाए हैं फकीरी वेश धारण किए हैं सुंदर भी श्री जी की तरह फकीरी वेश धारण किए है सिर भी मुंडवाए है किसी किसी को तो सिर मुंडवाना और फकीरी वेश फकीरी वेश धारण करना अच्छा नहीं लगता था लेकिन यहाँ क्या हुआ करना पड़ा ने क्योंकि उसने सोचा कि हमारे स्वयं श्री जी ने सिर मुंडवाया, फकीर वेश धारण कर किया तो हमको भी करना पड़ेगा और किसी ने हंसते हँसते भी फकीरी वेश धारण किया क्योंकि हमारे श्री जी इस राह पर चल रहे हैं तो हम भी वही राह पर चले तो सब फकीरी वेश में निकल पड़े हैं सुंदर सा जी यहाँ और इतना नहीं और आगे और लीला बताओ परमधाम की कि परमधाम में राज्य का श्रृंगार कैसा था वहाँ तो पल में कई करोड़ों श्रृंगार बदलते थे ने परमधाम में पल में कई करोड़ों श्रृंगार बदलते थे और वहाँ का हम स्वरूप में देखते न श्रीराज सी ठाकुरानी जी प्रथम बोम में विराजमान भय उसमें केसरी रंग की इजार सुपेत रंग को जामा नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका सेंदुरिया रंग की पाग और आसमी आसमानी रंग की पिछोरी और श्यामा जी को श्रृंगार सेंदुरिया रंग की साड़ी श्याम रंग कंचु की कंचुकी नीली लाही को चरणिया तो ऐसे स्वरूप सिंगार धारण करते थे और यहाँ कैसा श्रृंगार धारण किया है कैसे बेस धारण किए हैं और परम धाम में जब हमारी सवारी निकलती थी परमधाम में जब हमारी सवारी निकलती थी हम मध्यरात्रि के स्वरूप में बोलते ना सवारी जब निकलती तब कोई नीचे जमीन के पशु पक्षी जमीन में कोई आकाश के पशु पक्षी आकाश में कोई प्राणी जमीन में और ऐसे नहीं परमधाम में तो ऐसा है कोई पशु पक्षी आकाश में उड़ते तो वहाँ प्राणी यहाँ प्राणी आकाश में नहीं उड़ते बाघ बाघ, चित शेर ये आकाश में थोड़ी उड़ सकते यहाँ के पर परमधाम में कैसा है वहाँ तो शेर भी उड़ सकते चित्ते भी उड़ सकते बाघ भी उड़ सकते वहाँ तो और प्राणी भी आकाश में भी उड़ सकते और नीचे भी चलते तो वहाँ तो कैसे कैसे ऐसे बड़े बड़े वहाँ झुंड निकलते और झुंड के भी कई सिरदार होते और सिरदार के भी कई और सिरदार होते ऐसी हमारी जब सवारी निकलती तो सवारी में हम जब पश्चिम की चौगान में जाते और पशु पक्षी भी रात दिन कैसे पीयू के जिक्र करते थे कैसे गुणगान गाते थे पीयू पीयू कर पुकारी कहे धनी धनी कहीं कहे खसम खसम कहे तुम ही तुम और या, जब पश्चिम की चौगान में जाते थे तो पश्चिम की चौगान में अस्वारी पशु पंखिय पर धनी करत है जब अस्वारी पशु पंखिया पर धनी करत है जब जो जहा बसात है जो जहा बसात है सो आय मिलत है सब अश्वारी पशु पर धनी करत है जब सुंदर सा जी अश्वारी घोड़े पर राखत है आकाश में उडत घोड़े पर राखत है आकाश में उडत कमी न कछु उड़ते सुख असवारी के अतंत असवारी पशुपंखियानो पर धनी करते है जब पहली हार सिरन की दूजी हार बघन हार तीसरी श्यागोश की चौथी हार चित पशु पंखियनों पर धनी करत है जब सुंदर सा जी राज जी कई बार पशु पक्षियों पंखियों पर पक्षियों पर कई बार सुखपाल में कई बार हमारे जो छ हजार बारह हजार सुखपाल है जो कई बार एक एक सुखपाल में दो दो सखियाँ बैठती थी कई बार एक एक सुखपाल में एक एक सखियाँ भी बैठ के जाती थी इतना नहीं कई बार ऐसी इच्छा होती थी कि चलो ने हम एक बड़े तख्तरवे में सब साथ में चले तो बड़े तख्तरवे जो इस तख्तरवे में बारह हजार एक साथ में ब्रह्मात्माएं बैठकर ये पश्चिम की चौगान फुलबाग नूरबाग अनवन दुब्ध की ओर हम शैर करने के लिए जाते थे और पश्चिम की चौगान में क्या लीला होती थी रेस की कौन आगे जल्दी से दौड़ सकता है तो कई बार सी जी ये प्राणी पर सवार होकर भी जाते थे और पूरे झुंड के झुंड हम कई बार पशु पक्षी पर सवार होकर जाते थे वहाँ जाके पश्चिम की चौगान में और बाग, फुल बाग, नूर बाग में कई प्रकार की अनेक सी लीलाएँ होती थी हमारे भी जैसे पशु पक्षियों के वस्त्र आभूषण हैं वैसे भी हमारे वस्त्र आभूषण हैं मान लो कि पशु पक्षियों के कैसे हैं? तो बताया कि एक ग्रुप का वाइट्स कलर के हैं दूसरे ग्रुप जो चल रहे पीछे रेड कलर के है तीसरे ग्रीन है चौथे ब्लैक है पाँच में हरे है और उसके आगे और जाए तो पीले रंग के है कोई ऑरेंज रंग के है तो ऐसे ग्रुप में ऐसे ससज्जित सुसज्जित होकर पशु पक्षी आए हैं अपने अपने ग्रुप में और ऐसे ही बाजिंत्र भी इस रंग के हैं कपड़े भी जैसे रंग के वैसे रंग के बाजिंत्र है बाजिंत्र भी बजाते जाते हैं कोई सखिया की नकल भी करते हैं कोई सखिया की चाल भी चलते हैं, कोई सखिया के गुणगान भी गाते हैं कोई सखिया की रसोई भी नकल करके करते जाते हैं तो ऐसे पशु पक्षियाँ अपने अपने ग्रुप में अपने अपने वस्त्र आभूषण सुस श्रृंगार से सुसज्जित होकर कई वाजिंत्र बजाते बजाते रास्ते में जाते हैं हम भी उसके साथ चलते हैं और कई प्रकार की लीला होती थी ये लीला को और हम जा, जहाँ जाते ने वो बाग के जो बगीचे मान लो कि अनवन के बगीचे जो सो बने तो उसमें से एक बाग को ले लो तो एक बाग एक वाइट रंग के बाग है एक ग्रीन रंग के बाग है एक हरे रंग के बाग है एक पीले रंग के बाग है तो वहाँ जो जो ग्रुप के रंग के पशु पक्षी आए तो वो वही ग्रुप के बगीचे में जिस रंग के बगीचे थे वही रंग के बगीचे में वो ग्रुप बैठे वहाँ वैसी लीला शुरू हो गई तो वहां फवारे उड़ रहे वो भी व्हाइट रंग के है वहां जो पेड़ लगे वो भी व्हाइट रंग के हमारे वस्त्र भी व्हाइट रंग के पशु पक्षियों के वस्त्र भी व्हाइट रंग के उसके श्रृंगार भी व्हाइट रंग के तो कैसी लीला होती होगी वहां ये लीला को याद करो लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है क्या करूं मंद स्वर्ग में जल्दी जल्दी इसलिए तो मैंने उदयपुर का पूरा प्रसंग कितनी जल्दी से मैंने लिया है मेरे को इतनी जल्दी से लेना आता ही नहीं मैं सच सच कहूँ क्या करूँ आप लोगों का थोड़ा परंपरा के मुजब ऐसा है कि भाई बंधन के दिन ही छत्रह साल मिला करना है तो मैंने आज दो प्रसंग तो वैसे ही बस अपने भाव में डूब कर एक जैसे प्रसंग टू पॉइंट टू पॉइंट किया है धामधनी की जैसा वो था क्या करूँ मैं सुंदरसाद जी तो यहाँ यह लीला को सुंदर साद याद करते हैं यह लीला को याद करते करते ये लीला याद आई कि देखो धामधनी यहाँ याद सुंदर साद भी करवाते कि हम परम धाम में कैसी लीला करते थे और आज हम कैसी लीला कर रहे हैं कैसे वैरागी बेस धारण किए वहाँ हमारा कैसा सुंदर स्वरूप था नूरी दिव्य और कैसे हमारे वस्त्र आभूषण चेतन थे ये वहाँ के चार गुण हैं परमधाम के बोल बोई नरम और रोशन। जो वहाँ और चाहर में एक गुण तो अखंड है ही बोल मतलब हर पदार्थ हर कण हमारे साथ बातचीत करता है और बोई मतलब वहाँ से हर पदार्थ में सुगंधी आती है नरम वहाँ की हर चीज़ें कोमल और मुलायम है और बोल बोई नरम और रोशन हर चीज में से प्रकाश नूर और रोशनी निकल रही है और जाहिर में हर चीज अखंड तो है ही तो वहाँ के चार गुण और पांचवा अखंड तो पाँच गुण की और एक एक इंद्रियों में भी पाँच पाँच गुण बताए तो यहाँ धामधनी को सुंदर साथ याद कराते हैं कि सुंदर साथ जी श्री जी सुंदर सा जी श्री जी को याद दिलाते हैं श्री जी सुंदर को याद दिलाते हैं तो कैसी लीला चल रही है धनी यहाँ और सुंदर भी बोलते हैं कि धनी हमने ये खेल मांगा ने, तो आप भी ये लीला दिखा रहे हो तो वैसे बाजूराज ने भी ऐसे सन्यासिनी जैसा वेशभूषा धारण किया है वो भी सुंदर के साथ बीच में इतना प्यार लुटा रही है इतना लाड इतना स्नेह लुटा रही है तो सुंदर सा जी ऐसे बैसव साधारण करके हम चल पड़े वहाँ से तो हमने जो रामपुरा गांव में हम पहुँचे थे कहाँ पहुँचे थे रामपुरा गांव में तो रामपुरा गांव पहुँचे मैं रामपुरा किसका गांव है पूरण चारण का गांव है पूरण चारण ये गांव का मुखिया है प्रमुख है क्या है ये प्रमुख मुखिया है और उसकी माँ वहाँ जो राजा है ये उदयपुर का उसके भाई बेरी साल वो चढ़ाई करता है ये उसने सोचा कि भैया वैराग्यनों को मैं लूट लूँ उसको मैं लूट लूँ उसके साथ में लड़ाई करूँ तो जब अपने दिल में विचार आया तो लूटने के लिए वहाँ आया रामपुरा गांव में तो वहाँ लुटने के लिए आया वैरागियों को तो यहाँ क्या बताया उसने कि जो चारण मल पुरण की माँ है उसने श्री जी की उपली पहचान की थी क्या पहचान की थी उपली पहचान की थी लेकिन उपली पहचान भी क्या है सुंदरसा जी वो मरने के लिए तैयार हो गई तो उस प्रसंग से यही सीख लेनी है यही शिक्षा लेनी है कि हम आ, चलते फिरते Osionfish. बोल चाल में व्यवहार में हम बोलते हैं कि हमारी तो जागनी हो गई हम क्या बोलते हैं हमारी तो जागनी हमने यहाँ ले लिया उसके बहुत साल हो गए हमने यहाँ तारतम लिया किसी ने बोला भाई हमने सरकार से लिया कोई बोले हमने स्वामी जी से लिया कोई बोले हमने बड़े महाराज जी से लिया इतने साल हो गया देखो हमारी तो बहुत साल पहले जागनी हो गई हम तो जागृत हो गए हम व्यवहारिक रूप में बोलचाल में बोलते ने कि हमारी तो आत्मा की जागृति हो गई यहाँ धामधनी क्या बता रहे कि पूर्ण मल चारण की माँ ने सीजी जी की उपली पहचान की है तो भी मरने के लिए वो तैयार हो गई हमने ठीक है चलो हमने पहचान कर ली हमने अपनी आत्मा की जागनी भी कर ली तो हमने हम अपने दिल को पूछे हम कितना एक निजानंद राह पर निजानंद संप्रदाय की राह पर मरने फिट, फिटने के लिए हम कितना तैयार है हमने क्या कुर्बान किया हमने क्या समर्पण किया हमने क्या न्योछावर किया ये चारणमल ये पूरणमल चारण की जो मां है उसने उपली पहचान की श्री जी की बाहरी वेशभूषा बस ये कोई अवलौकिक महात्मा है और उसने एक फ़कीरी धारण किए हैं तो ऐसे उपली पहचान की लेकिन उपली पहचान से भी क्या कुर्बानी की जब वो लूटने के लिए बेरी साल आया तो उसने बोला कि हे बेरी साल तू यहाँ से चले जा जो तू ये वैरागियों को लूटेगा तो क्या होगा मैं तू तु, तुझे गधे की तरह मारूंगी पीटूँगी तो से निकल जाकर मैं तो तेरों को मारूंगी या क्या मैं वैराग्यों के लिए मैं मर जाऊंगी कितना बल दिखाया सुंदर धाम धनी ये छोटे-छोटे प्रसंग को लेकर क्या सीख दे रहे हैं कि उपली पहचान ये जाहिर कर दिया उपली पहचान होने से भी इतनी कुर्बानी की तो बेरी साल ऐसे ही भागे पीछा मोड़ कर भी नहीं देखा और वहाँ यह लीला घटित होने के बाद दौलत खान पठान और शेर खान कोहटी भी मिलते हैं और दौलत खान पठान अपना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद उसके मुख से और कुछ निकलता भी नहीं है उसने भी पहचान कर ली क्योंकि सुंदर साथ क्या करते थे हमारी सनंद ग्रंथ तो उतर गई थी तो सनन ग्रंथ की सनंदे गाते थे इसमें है ना बिना एक मोहम्मद दो जक की सनन आ, इमा इमाम के प्रताप की सनन और इमाम की सनंद वैसे कई सनंदे अंदर है तो यहाँ क्या सनंद गाते थे बिना एक महम्मद और दोजक की सनंद कई सनंदे वहाँ गाई होगी तो उसमें से दौलत खान पठान के अंदर एक चोट लगी और क्या गाने लगे बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद के सिवा उसके मुख से कुछ निकलता नहीं है तो यहाँ बताया कि लाले लाल कहावी हो गए सब जरत लाले लाल कहावी हो गए सब जरद और कोई लाल न हुआ बिना एक महम्मद या बिना एक मोहम्मद उसके सिवा और कोई मुख से प्रश्न या कोई शब्द नहीं निकलते हैं इस समय कृपा राम भाई पत्री लेकर उदयपुर से आए और उदयपुर से आने तो उदयपुर से कृपा राम भाई पत्री लेकर आए और दुखी हृदय से रोने रोते रोते क्या बोलने लगे कि श्री जी उदयपुर को फिरते घेर लिया है औरंगजेब बादशाह के सैन्य ने और वहाँ के सुंदर साथ भी रोते बिलकते पूरे पहाड़ों में नगरों में अलग अलग हो के छिप गए हैं और बोतला के हे धाम धनी हे श्री जी आप कुछ प्रार्थना कीजिए मूल स्वरूप को बिलाप करके इंद्रावती भी मूल स्वरूप को प्रार्थना करती है राम भाई की जब पत्री पढ़कर के सुंदर सात को मैंने पहले से भी बोला था कि सुंदर साथ तुम तो उदयपुर से निकल जाओ औरंगजेब बादशाह का सैन्य आपको पूरा घेर लेगा तो यहाँ राम भाई पत्री लेकर आया घटना वही घटी के पूरा घेर लिया है उदयपुर ने तो यहाँ सब सुंदर साथ पूरे नगर में कोई पहाड़ों में छिप गए अलग 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 जगह जाके छिप गई यहाँ श्री जी ने प्रार्थना की मूल स्वरूप को इंद्रावती की आत्मा ने तो उस टाइम पे सुंदर सात का कष्ट हल्का करने के लिए विरह के पांच प्रकरण उसमें तो लिखे लेकिन छः प्रकरण उतर कितने किरंतन ग्रंथ के पैंतीस से लेकर चालीस तक का छः प्रकरण उतरते हैं उसमें पहला प्रकरण जो छैतीस माह है वो मंगलाचरण के रूप में उतरता है उसके बाद का भी पांच प्रकरण यहाँ उतरते हैं तो छः प्रकरण में सुंदरसा जी बताया है कि बालो ब्रूह रस बीनो बालो ब्रूह रस भीनो रंग ब्रूह मा रमाण तो वासना रोदन करे जल धार आप ओल खावी अलगो मथी जे कोई होती तामस्यो सिरदार कलकली कामनी बदन खाविया विश्व मावरतियो आहाकार यहाँ जो छे प्रकरण क्या उतरते हैं बीर के तो यहाँ सुंदर जी धाम धनी बताते हैं कि जब सुंदरसात पर कष्ट आया तब इंद्रावती की आत्मा ने मूल स्वरूप को प्रार्थना की मूल स्वरूप ने ये प्रार्थना भी सुन ली और ये प्रकरण उतरे तो हमारे घर में भी ऐसे कोई कष्ट हो ऐसे कोई दुख आए तो विरह के ये छः प्रकरण हम पूरी निष्ठा पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ हम करेंगे तो हमारे भी कष्ट दूर हो गए ये प्रकरण उतरने के बाद कारी कामरी रे मोको ये भी ये पहाड़ों में ही उतरती है जगह का फाइनल नहीं किया है लेकिन जब उदयपुर से मंदसौर जाते समय यही रास्ते में उतरती है ये कारी कामरी नाम का एक नंबर का प्रकरण किरणतन ग्रंथ का 110 नंबर का प्रकरण कारी कामरी रे कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू मोको प्यारी लागी तू सब सिन को शोभा देवे सब सिन गार को सोभा मेरा दिल बांध्या तुझ सो कारि कामरी रे कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू मोको प्यारी लागी तू कामरी री वधु और सुंदर वर श्याम कामरी पेरी वधु और सुंदर वर श्याम बी पेरी मामादनी बी पेरी ई ओर कामरी रे कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू <coughs> मोको प्यारी लागी तू रूह अल्लाह पेरी अंदर हुई नहीं जाहेरा रूह्ला पेरी अंदर हुई नहीं जाहेरा दुनिया हिर आंदली दुनिया हिर आंदली देखे नजर बाहेर कारी कामरी रे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू मोको प्यारी लागी तू या कारी कामरी किसको कहा गया सुंदर जी इंद्रावती की आत्मा कहती है कि हे मेरी प्रेम रूपी कारी कामरी तुमको को बहुत प्यारी लग रही है तुमको को बहुत मिठी लग रही है प्यारी लग रही है इतनी लाडली लग रही है इतना नहीं और आगे बताया सब श्रृंगार को दे शोभा देवे क्या कहा कि एक ब्रह्मात्मा के अंदर कितने सरगुस सब सुन श्रृंगार को शोभा देवे एक ब्रह्मात्मा के अंदर कितना लक्षण है भले ही ज्ञान है वैराग्य है शील है संतोष है करुणा है दया है कुर्बानी है समर्पण है श्रद्धा है निष्ठा है ईमान है विश्वास है जितने भी गुण हैं लेकिन प्रेम नहीं तो सब अधूरे हैं क्या बताया लेकिन प्रेम नहीं तो सब अधूरे हैं यहाँ इसलिए बताया कि सुंदर शाह जी सब के सिरे प्रेम है सबकी शोभा प्रेम से है ये सब गुणों की शोभा किससे है प्रेम से है जो प्रेम नहीं आएगा तो ये सब शोभा महत्वहीन बन जाएगी ये शोभा नीचे झुक जाएगी क्योंकि सबके सिरे ये प्रेम है तो नाम निर्गुण कहावी सब सरगुण के सिरे तो निर्गुण मतलब हमारे अंदर ये बताया कि भाई ये मानव तन ये पंच महाभूत से बना उसके अंदर सूक्ष्म तन भी बनी हैं ये जो सरगुण जो भी सब पदार्थ बने ये सरगुण पदार्थ से परे निर्गुण कौन है ये प्रेम ये अक्षरातीत का स्वरूप है ये और निर्गुण कई धरातल पर तो बताया कि भले हमारे अंदर ये सब गुण है ये पंच महाभूत का शरीर है ये पांच तन्मात्राएं भी है इतना भी नहीं अंदर जीव है जीव का दिल हृदय है और इतना ही नहीं उसके अंदर आत्मा भी बैठी है लेकिन आत्मा का श्रृंगार किससे होता है आत्मा का श्रृंगार ये सब गुणों से होता है लेकिन उसके भी सिरे क्या है सब सरगुण के सिरे ये सरगुण के सिरे और निर्गुण क्या जिसके अंदर कोई भी विकार न हो जिसके अंदर कोई भी अवगुण न हो ऐसा वाला एक प्रेम है तो ये सब श्रृंगार के सिरे प्रेम है तो आत्मा का श्रृंगार सब गुणों से तो है लेकिन उससे भी परे ये प्रेम से श्रृंगार होता है इतना भी नहीं ये प्रेम रूपी काली कामरी तू जब आएगी ने तो तेरे तुरे आने से मेरे अंदर कोई विकार नहीं रहेगा कोई अवगुण नहीं रहेगा और काले रंग में कोई रंग मिश्रण होता नहीं है कोई रंग मिलान करेंगे ना काले रंग में तो कोई रंग मिलान नहीं होगा और सब रंगों में मिक्स मिक्स होगा और रंग का मिलान होगा मान लो पीले में लाल लाल में नीला नीले में ब्लैक कोई भी रंग मिलान हो जाएगा लेकिन ब्लैक में काले रंग में कोई रंग का मिलान नहीं होगा यहाँ बताया धनी ने के काले रंग की कामरी तू जब आएगी ने तो सब तेरे अंदर मिलान हो जाएंगे और और रंग कोई चढ़ेगा नहीं क्योंकि ये प्रेम आ जाएगा ने तो प्रेम में डूबी ब्रह्मात्मा के पर कोई रंग दूसरा चढ़ेगा नहीं और हमारा मधुसागर किस रंग का बोला छठा सागर छठा सागर जो मधुसागर है वो भी काले रंग का श्याम रंग का बताया वो श्यामा जी की चोली का रंग क्या बताया कंचुकी का रंग साड़ी का रंग तो सेंदूरिया ठीक है और चोली नीली लाही का और कंचुकी का क्या बताया ये श्याम रंग का बताया तो यहां श्याम रंग मतलब प्रेम रूपी काली कामरी तुम तो को बहुत प्यारी लगती है ब्रजवधू गोपिकाओं ने भी एक काली कामरी धारण की थी कृष्ण जी ने भी एक काली कामरी धारण की थी इतना नहीं और तीसरे दिन में कुरेश अरब की धरती पर मोहम्मद साहब आए उसने भी कारी कामरी सदगुरु धनी देवचंद्र जी धनी देवचंद्र जी ने भी ये कारी कामरी रूहला ने अंदर प्रेम रूपी धारण की किसी ने देखा नहीं और पांचवें दिन में महामती ने भी प्रेम रूपी कारी कामरी धारण की तो यहाँ सुंदर शाह जी ये प्रकरण भी अवतरित होते हैं और आगे जो लीला घटित होती है वहाँ इब्राहिम भी वहाँ हमारी सनंद है सुंदर शाह जी गाते हैं और बहुत से मोहम्मद खान पठान नूर मोहम्मद तो उदयपुर में ही मिल गए थे यहाँ मोहम्मद खान पठान भी मिलते नूर मोहम्मद भी मिलते हैं और दौलत खान पठान भी मिलते हैं और एक इब्राहिम मिलता है तो इब्राहिम को मिलके लालदासी को लगा इब्राहिम को मिलके लालदासी को लगा कि चलो इब्राहिम सुनी पंथ के है तो उसके पास और सिया और सुनी दो पंथ है दो उसकी जो है तो उसमें उसके पास हम ये कुरान की टीका उसका एक सि, कोई सिपारे का काम अर्थघन करवा ले तो इब्राहिम के साथ थोड़ी बातचीत हुई और इब्राहिम तैयार हुए उसको थोड़ी लालच लोभ भी दिया कि हम तुम इतने सिपारे का गठन कर देंगे तो हम आपको थोड़ा मेहनत के पैसे भी हम दे देंगे लोभ लालच दिखाया तो इब्राहिम तैयार हुआ पहले उसने में सिपारे का अर्थगठन किया उसके बाद आगे जब अर्थगठन करने लगे तो उसने बोला कि यहाँ कोई अनपढ़ रापसी ने यह कलम चला दी है तो श्री जी ने बोला कि तुम रुक जा यहाँ कोई रावसी थोड़ी होते यहाँ कोई अनपढ़ थोड़ी तो दोबारा ये पढ़ ये सिपारे की आयत को तो दोबारा पढ़ तो उसने बोला कि नहीं ये कोई रावसी ने कलम चला दी है क्या बताया कि जो खुदा ताला को मानने वाली मोमिन है, नेक बंदे मोमिन है उसकी इच्छाएं उसके मनोरथ धनी पूरा मतलब खुदा ताला अल्लाह ताला पूरा नहीं करेंगे इतना सुनते ही श्री जी को जोश आया आया उसने बोला कि यह तो हमारी बात है ये तो मोमिनों की बात है और तुम क्यों ऐसे कह रहे हो नहीं तो और आगे अर्थघटन कर फिर उसने तीसवें सिपारे की छत्तीसवीं सूरत का किया और आगे उसने फिर पहले सिपारे से लिया सोलहवा सत्रहवा अठारहवा और उन्नीसवें सिपारे का तो फिर आगे हो गया फिर तीसवें सिपारे की छत्तीसवीं सूरत का हुआ फिर आगे पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवें सिपारे का जब अर्थगठन करने जा रहे थे चार का हुआ पांचवें का नहीं हुआ तब अंदर दज्जाल बैठ गया और फितना उठाने लगा और शोर मचाने लगा उसके मन में ये विचार आया कि ये लोग तो हिंदू है ये लोग तो हिंदू है और कुरान ये इजाजत मुस्लिम की शरीयत ये इजाज़त नहीं देती कि ये लोग हमारा कुरान को पढ़े हमारी आयतों को पढ़े और मैं उसको टिका भी करवा रहा हूँ अर्थगठन भी करवा रहा हूँ ये शरीयत इजाज़त नहीं देती है उसके मन में ये संशय उठा और उसने शोर मचाया फिर ये हादी श्री जी को और मोमिनों को डर बताने लगा अपने सिपाही लोगों को लेकर आप पर मैं फितना उठाऊंगा ये पूरा जो टीका करवाई ने इसी सिपारे की टीका वो मांगने लगा कि मेरे को ये टीका दे दो तब मोमिनों ने सुंदर साथ ने बोला कि भाई हम ये टीका नहीं देंगे तब बोला कि मैं सिपाहियों को लेकर आप पर फितना उठाऊंगा फितना मतलब शोर मचाऊंगा तब उसने बोला कि नहीं हम आप ला श्री जी ने बोला कि भाई ये टीका तो हम आपको नहीं देंगे जब ये दुखी सुंदर साथ हो श्री जी बैठे थे तब इब्राहिम तो अपने घर चले गए या मोहब्बत खान पठान आया मोहब्बत खान पठान मतलब प्रेम के स्वरूप मोहब्बत मतलब प्रेम प्रेम के स्वरूप मोहब्बत खान पठान आया उसने श्री जी और मोमिनों को दुखी होते हुए बैठे हुए देखा तो उसने पूछा कि तुम हे हादी आज तुम क्यों दुखी हो तब उसने बोला कि भाई इब्राहिम ने ऐसे हमारे पर हरकतें की ऐसे हमारे पर जुल्म ढाया मतलब ऐसी हम हम पर थोड़ी प्रेशर करके भी कहे गए हैं, तो उसने बोला कि कहाँ गया इब्राहिम तो वो सीधे उसके घर पे गया और उसके घर पे जाके मोहब्बत खान पठान उसकी पत्नी को गाली देने लगा और बोलने लगा तब उस उसकी पत्नी ने बोला कि भाई ये तो निकाह पढ़ाने के लिए गया है शादी कराने के लिए तो वहाँ जल्दी से मोहब्बत खान पठान गए और वहाँ जाके उसको बोलने लगा कि गाली अट ऐसे कटु वचनों में बोलने लगा मोहब्बत खान पठान इब्राहिम को तो इब्राहिम तो उसके चरणों में झुक गया कि मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ आपका सेवक हूँ मैं कभी भी ऐसा दोबारा हरकत ऐसी नहीं करूँगा यहाँ मोहब्बत खान पठान बोलते हैं कि तूने ऐसा बेअदबी ऐसा दुर्व्यवहार मेरे सुंदर साथ के साथ क्यों किया मैं तो तेरे को अभी भी मार डालूंगा ठीक है मैं अभी तेरे को छोड़ देता हूँ लेकिन मेरे को तो लग रहा है कि तेरे को मार डालूंगा जा तो जाके हादी के चरणों में प्रणाम कर वहाँ जाके क्षमा मांग तो मोहब्बत खान पठान को वहां लाठी लेकर गया था ना मोहब्बत खान पठान तो इब्राहिम सीधे ही दौड़ के हादी के चरणों में आए शीजी के चरणों में आए वो शीजी और सुंदर साथ के एक एक के चरणों में झुककर उसने क्षमा मांगी वहाँ नूर मोहम्मद भी बैठा था नूर मोहम्मद ने बोल बोला कि हे इब्राहिम मैं तेरे को अभी तेरा सिर काट देता मार देता लेकिन मैं मेरे को हादी का हुक्म नहीं है इसलिए मैं तेरे को छोड़ देता हूँ तो वहाँ इब्राहिम सुंदरसा जी इतना जब कहा फिर इब्राहिम वहाँ से चरणों में प्रणाम करके निकल जाते हैं लेकिन अंदर का द्रेस अंदर की ईर्षा भी अंदर से सुंदर जी छुटी नहीं अंदर ईर्षा और देश की अग्नि लेकर जाता है अपनी सिपाही और अपने पूरी झुंड में फिर वहां जाके शोर मचाता है और अपने झुंड और सिपाहियों को लेकर पूरे मंद को घेर लेता है और मंदसौर को घेर के घेर लेता है तो सब सुंदर वहां भी हमारे श्री जी और सुंदर अलग अलग मंदसौर के शहर में नगर में छिप जाते हैं और अलग अलग फैल जाते हैं पहाड़ों में बिलकते बिलकते सब फैल जाते हैं फिर दिन में एक बार श्री जी को आके सब प्रणाम करते हैं और दिन में जहाँ जहाँ जाते हैं अलग अलग गांवों में नगरों में वहाँ जाके भीख मांगते हैं क्या मांगते हैं रोटी के कोई भिक्षा में जो आई हुई मोमिनों की क्या हालत है अभी देखो परिस्थिति क्या धामधरी ने क्या लीला की उसकी परीक्षा ली खेल में मोमिनों की होते परीक्षा क्यों परीक्षा ली श्री जी ने सुंदर साहद जी क्या लालदासी आज में जहाज के मालिक थे तो उसके अंदर कुछ अहंकार तो नहीं है ने आज भीम भाई के अंदर वेदांत का कुछ अहंकार भाई में इतना बड़ा ज्ञानी था ठीक है तो वैसे वैसे जो जो सुंदर साहद धनवान थे गरीब थे तो किसी के अंदर कोई भी अहंकार ना रहे तो धाम धनी ने वहाँ परीक्षा ली और नहीं तो धन धामधनी चाहते तो ये शोर जो मचा था थोड़ी देर में ही वहाँ शांत कर देते लेकिन यहाँ धामधनी ने परीक्षा ली सुंदर सात दिन में गांव-गांव नगर नगर भिक्षा में जो भी अन्न या व्यंजन या कोई भी रोटी के टुकड़े सब्जी जो कुछ मिलता था सब आके सी जी के पास सब एकत्रित होते थे वहाँ की रसोई जो आई थी भिक्षा में ये एक साथ एकत्रित करते थे इतना नहीं और एक साथ एकत्रित करने के बाद बाजूराज जी महारानी सबको एक समान भाव से बांटती थी परोसती थी और इतना लाड प्यार किया बाजूराज जी ने सब सुंदर साथ को इतना लाड किया और समान रूप से सबको बंटवारा ये भोजन प्रसाद का करती थी और सब सुंदर साथ ने भी बाजूराज को प्यार किया उस टाइम पे श्रीजी भी पूछते थे कि किसकी जोली के ये टुकड़े हैं वरी अंदर मुंह में कुछ और चीज़ें डाले और मिठाई तो बोले किसकी जोली के है तो कई बार लालदासी बोलते थे ये मेरी जोली के है कई बार और सुंदर साच जी मुकुंदासी बोलते थे ये मेरी जोली के है कई बार भीम भाई बोलते थे कि ये मेरी जोली के है तो वैसे सुंदर साची सब वहाँ आले अलग अलग प्रसर गए और प्रसरने के बाद वहाँ से एक और अंतिम लीला घटित होती है ये बोल के हम ये चौपाई को दोहरा देंगे मोमिन इतना मतलब कष्ट पड़ा इतना कसाला पड़ा तो भी मोमिन लोग अंदर से दुखी नहीं हैं सब बोलते हैं कि श्री जी बहुत ही आनंद आया हम तो बहुत खुश है देखो धामधनी परमधाम में तो ऐसी कभी भी हमने लीला देखी भी नहीं थी आप आज यहाँ कैसी अनहोनी लीला कर रहे हो तो ऐसे कह के वहाँ से एक सुंदर सा धाम भी चलते हैं और आगे मुकुंदासी को भावसी के पास ये घटना अंतिम है कि मुकुंदासी को भावसी के पास भेजते हैं ये अभी भेजते हैं वहाँ हम पहुँचे नहीं हैं तो मुकुंदासी वहाँ जाके भावसी को कैसे जगाएंगे ये कल औरंगाबाद के पत्संग में हम लेंगे लेकिन यहाँ हम सुंदरसाजी मंदसौर से चलने का अब मंदसौर से चलने का किया उपाय साथ हुए सब तैयार खबर सब वो पहुँचाए सब सुंदर साथ को श्री जी ने संदेश पहुँचा दिए कि चलो मंदसौर से हम आगे और अब क्या जाना है औरंगाबाद की और तब साथ बेले भये हुए चलने कोशियार आठ महीने इत्र रहे मंदसौर में कितने महीने रहे आठ महीने तक मंदसौर में रहे हुक्म परवरदिगार फिर धनी का हुक्म हुआ और सब औरंगाबाद की ओर और प्रस्थान करते हैं महामती कहे ये मोमिनो ये, ये मंदसौर की बीता का अब यहां से आगे चलें सो कहो कमा क सुंदर सा जी यहाँ आगे उज्जैन में तो कुछ लीला नहीं है उज्जैन से सिद्धयम ही हम कल औरंगाबाद पहुँचेंगे यहाँ मुकुंदासी को पहले औरंगाबाद भेज दिए भावसी हाड़ा के पास हम कल औरंगाबाद बीच में उज्जैन की बाईस दिन की जो लीला है मैं पहले भी बता दी है लेकिन कल हम दो मिनट में उज्जैन की लीला लेके सीता मऊ से होके हम औरंगा बाद पहुंचेंगे इतना कहकर या वाणी को विराम देंगे बोलिए श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु प्रणाम